हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। देखिए, यूपी पीसीएस का जो 24 सितंबर 2017 को एग्जाम हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है। सुनने में आया था, जो है सूत्रों से पता चला था कि जो इनका रिजल्ट है पीटी का, प्रारंभिक परीक्षा का, वो 15 जनवरी तक आ जाएगा। बताया जा रहा था कि मतलब सत्रकालीन कुछ अवकाश वगैरह की वजह से जो है इनका रिजल्ट जो है वो 15 जनवरी तक आ जाएगा। लेकिन अब क्या बात हुई, अब तो ये हो गया है कि सीबीआई में जो है इनका केस वगैरह चल रहा है, हाई कोर्ट वगैरह में सीबीआई जांच के खिलाफ जो है दाखिल याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई के बाद ही परिणाम की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है। अगर इसको हम पढ़ें तो इसमें ये लिखा है कि पीसीएस परीक्षा 2017 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी अधूरी है। 15 जनवरी तक परिणाम आने की उम्मीद लगाए बैठे प्रतियोगी छात्रों को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगने वाली है। आयोग की माने तो परिणाम इस महीने जारी होंगे, लेकिन इसकी तारीख निश्चित नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही कारण है। जो 24 सितंबर 2017 को एग्जाम हुआ था, 21 जिलों में पीसीएस का हुआ था, इसके 54 दिन बाद जो है उत्तर कुंजी आई थी। आपत्ति मांगने और इसके निस्तारण की अवधि बीतने के बाद माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन इस बीच आयोग के अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव ने भर्तियों की सीबीआई जांच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली, जिससे आयोग की समिति का आधा ध्यान उधर ही बट गया। इधर पीसीएस 2017 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम लटक गया, इसकी वजहें और हैं, लेकिन 15 जनवरी 2018 तक परिणाम जारी होने का आयोग का प्रयास आखिर कारगर नहीं रहा। रविवार को आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि परिणाम शीघ्र ही जारी किया जाएगा, लेकिन इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। कहा कि तैयारी लगभग पूरी है। उधर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की उम्मीद लगाए बैठे प्रतियोगी छात्रों को अगले 4-5 दिनों भी निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि सीबीआई जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर 18 जनवरी को सुनवाई के बाद ही परिणाम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। समिति की बैठक में एक राय बनने के बाद ही परिणाम जारी हो सकता है। प्रतियोगी छात्रों में नाराजगी है कि आयोग के लेट लफीती उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लगभग इस जनवरी तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कब तक आएगा ये कंफर्म नहीं है। लगभग 18 या 19 जनवरी के बाद ही आएगा। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि लास्ट जनवरी में ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को बताइए कि कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनके दिल में उतापतो तो मचा ही होगा, जो है काफ़ी वो परेशान होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है, सूचना होती है, वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी वीडियोज़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।